गोहाना नगर परिषद के 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बदलते माहौल के बीच एक तरफ जहां निकाय चुनाव के लिए भाजपा जजपा गठबंधन फिर से सिरे चढ़ चुका है, वहीं गोहाना में भाजपा का टिकट सबसे लास्ट में निवर्तमान चेयरपर्सन रजनी विरवाणी पर भरोसा जताते हुए जारी किया गया है। इसी बदलते घटनाक्रम के बीच जहां गोहाना नगर परिषद का चुनाव रोचक होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा नेता अरुण बड़ोक जिनकी टिकट पक्की मानी जा रही थी, कटने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता सुनील मेहता की चुनाव लड़ने की चर्चाएं शहर में जोर पकड़ने लगी हैं। उनके निवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व पार्षद अंजू कालड़ा के भी पार्षद की बजाय चेयरमैन पद के लिए फिर से फार्म भरने के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर पार्टी देती है तो सिर माथे पे कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को भी देती है तब भी साथ हैं, अगर हमें मिलती है तब भी हम लोगों के साथ हैं सब, तो वेट करेंगे हम लोगों का। पिछला कार्यकाल कैसे देखती हैं और अगले कार्यकाल में क्या करने वाले? पिछला कार्यकाल तो देखो हमारी जनता ही बताएगी और बता भी रही है कि बहुत ही सुरगुर से बहुत अच्छे ढंग से हमने निभाया है अपना कार्यकाल और कार्य किया भी है, किस तरीके से भी लगा लीजिए, इवन चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो पेंशन का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, आयुष्मान योजना हो, ये सब हमने लोगों तक पहुंचाई हैं और लोग भी काफ़ी खुश हैं। मैं यही संदेश देती हूँ अपने गोहाना की जनता को, अपने वार्ड की जनता को, कि जहाँ हमने पहले जो कार्यकाल बिताया, अच्छा बिताया, अच्छा काम किया है, और अब की बात उससे भी अच्छा करके दिखाएंगे। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच एक तरफ जहां कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद आज लघु सचिवालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे राजकुमार शर्मा और प्रतीक लठवाल व अन्य कांग्रेस नेताओं ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने जगत महान न्यूज से बात करते हुए अपने आप को कांग्रेसी बताया और दावा किया कि पार्टी नेताओं का आशीर्वाद भी उन्हें जरूर मिलेगा। सर, जनता की सेवा पहले करते हैं, आगे भी करेंगे। आज निर्दलीय के रूप में आपको पहुंचना पड़ा क्योंकि आप कांग्रेस की टिकट के दावेदार जी थे। मैं आज भी कांग्रेस की तरफ से ही, मतलब कांग्रेस कांग्रेसी नेताओं का क्या आपको समर्थन मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा। आज कितने पार्षद जो है चुनाव लड़ने वाले आपके साथ मौजूद है? आज साथी होशियार सिंह सैनी जी, राजा निमड़िया जी, सुनील निमड़िया, वो अपना साहब सिंह इंदौरा जी, और जी अपने सतीश जांगड़ा जी एक वार्ड से। तो यार मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुख्य तो जी शहर के अंदर सफाई और कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखवाना, और गलियां नाली साफ करवाने का काम, और लाइटें, और जी मेन आजकल बेरोजगारी का मामला बहुत है, उसके बारे में विशेष हम आवाज़ उठाएंगे जनता की। अगर जीतते हैं तो कांग्रेस समर्थक ही रहेंगे? कांग्रेस समर्थक रहेंगे सर, क्या कहेंगे? इस बात से तो पता लग गया होगा ना, डर हो गया ना दिमाग में, भाई भाजपा जसपा का गठबंधन दोबारा करना क्यों, क्या मजबूरी आ गई सामने, तो यूँ दिखा भाई उम्मीदवार देख के फिर उन्होंने अपने हिसाब से फैसले करने शुरू कर दिए ना। तो एक बात है, ये जब इनका गठबंधन टूट गया है भाजपा जसपा का, अब दोबारा से फिर ये लग रहे हैं, अगर तो गठबंधन करके भाई इकट्ठा उम्मीदवार हारेंगे, यहाँ इनके डर हो गया ना कहीं कहीं भाई हारेंगे। बिल्कुल कांग्रेस की लहर है इस वक्त हुड्डा साहब की पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव जीतेंगे। वहीं कांग्रेस नेता दुष्यंत लठवाल के सुपुत्र प्रतीक लठवाल ने भी पार्टी नीतियों पर चलते हुए शहर की समस्याओं को ठीक करने का दावा किया। मैंने सर चेयरमैन पद के लिए नाम रखा। सर बहुत से मुद्दे हैं, जैसे हमारे शहर में पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम शहर में किसी भी टाइम जाएं हमेशा हम जाम में वो हो जाते हैं, हम जाम की वजह से काफ़ी हमारा समय व्यर्थ होता है, हमें उस चीज़ पे काम करना है। और फिर सर हम CCTV की बहुत प्रॉब्लम है, सीवेज की काफ़ी प्रॉब्लम है, बारिश होती है तो पानी वहाँ पे सड़कों पे इकट्ठा हो जाता है, मोहल्लों के अंदर काफ़ी रोड ऐसे हैं ख़राब हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं सर, सब पे काम करना है। समय अनुसार लोगों ने पहले अपना काम किया है, हमें अगर मौका मिला हम भी सेवा करने की इच्छा रखते हैं, हम अपने तरीके से काम करेंगे। अब की बार हरियाणा सरकार में जैसे कांग्रेस की मीटिंग में ये बात हुई है कि कांग्रेस ने किसी को अब की बार चुनाव चंबल पे लड़ने के लिए मना किया है, कांग्रेस टिकट नहीं दे रही है, लेकिन हम तो कांग्रेसी है सर, हम लड़ रहे हैं, हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन है तो कांग्रेसी जी। आपके पिता दुष्यंत लठवाल जी काफ़ी समय से कांग्रेस में रह के समाज की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस का कितना समर्थन आपको, मतलब नेताओं का कितना आशीर्वाद आपको मिल पाएगा? सर पूरा आशीर्वाद है, पापा ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस को ही दिया, वो तो अगर आप खून भी निकाल लो थोड़ा सा तो खून में भी शायद कांग्रेस का नाम आ जाएगा, इतनी सेवा की है कांग्रेस की पापा ने तो जी। क्या कहेंगे वार्ड के
मतलब आपके शहर की जनता, शहर की जनता को यही कहूँगा कि सर उन्हीं का बेटा हूँ, अगर उनको आशीर्वाद देंगे साथ में, अगर अपना साथ देंगे तो शहर के लिए भी, मैं युवाओं की आवाज़ बनना चाहता हूँ सर, क्योंकि अगर मैं खड़ा हूँगा, मैं जीतूँगा तो मुझे पता है आज के युवा को क्या चाहिए। बेरोजगारी बहुत है सर, उस पर काम करना है, बहुत से मुद्दे हैं सर, सब पे काम करना है धीरे धीरे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से चेयरमैन पद के दावेदार अरुण निनानिया ने भी कहा कि 1 तारीख को पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने उनका पर्चा दाखिल करवाया था, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो शहर को मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे। चेयरमैन पद के लिए फॉर्म भरा है, इस पार्टी से भरा है, और क्या आपके मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी वाणा सेक्टर वासियों को नमस्कार करता हूँ। हमने 1 तारीख को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी जी ने यहाँ पर आकर हमारा नामांकन करवाया था। उसके बाद हमारे है जनता से अपील की, अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हमारे जो गुहाना के धरातल मुद्दे है, जैसे पानी को लेकर मुद्दा हो गया, हम उसको मतलब कि गली गली तक पानी पहुँचाएंगे। अभी मैंने कई एरियो में जाकर विजिट करा, जैसे वार्ड के कैंपेनिंग के लिए जाते तो मैंने देखा कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। अच्छा, जो जैसे सर एक रोड पर एक्सीडेंट है, जो ये मतलब पशु वगैरह घूमते हैं, मतलब गाय को तो सभी उठा कर गौशालाओं में लेकर जाते हैं, मतलब ये जो रोड पे पशु घूमते हैं इनके लिए व्यवस्था करेंगे, जिससे रोड के एक्सीडेंट के असुविधा का खेद ना हो सके जी, मतलब रोड पे एक्सीडेंट ना हो जी। अच्छा सर, हम 1000 बच्चों की लाइब्रेरी बना के देंगे गुहाड़ा के अंदर, जिसमें हमारे सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते जो अत्याधुनिक लाइब्रेरी बना के देंगे जी। एक सर, दिन प्रतिदिन शहर के अंदर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, चैन स्नेचिंग वगैरह बढ़ती जा रही है, गुंडागर्दी की वारदातें बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि सर अपने पूरे शहर को CCTV कैमरे की निगरानी में रखेंगे जी। और एक सर जो है सबसे बड़ी समस्या है कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोड पर थोड़ी सी देर में 5-7 मिनट के अंदर जाम लग जाता है, जो कि प्रशासन की सहायता लेकर गुहाना की जनता को जाम से मुक्त कराया जाएगा, और जो कि गुहाना के व्हीकल है उनके लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था कराई जाएगी, और पार्किंग की व्यवस्था करा कर भी कमेटी के अंदर से कर्मचारी को उनकी देख रेख के लिए लगाया जाएगा, ताकि किसी भी व्हीकल की कोई हानिग्रस्त नहीं हो सके। वार्ड नंबर 9 से पूर्व पार्षद मुकेश देवगन ने नामांकन के दौरान कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने वार्ड का विकास किया है, उन्हें वार्ड वासियों का भरपूर आशीर्वाद भी मिला, अगर जनता ने उन्हें फिर से मौका दिया तो छोटी सी भूल भी हुई हो तो उसे सुधार कर जनता द्वारा पहनाई गई पगड़ी का सम्मान करेंगे। इस दौरान उनसे पंजाबी बिरादरी के समर्थन के सवाल पर उनके साथ आए पंजाबी बिरादरी के समर्थकों ने अपना भरोसा मुकेश देवगन पर जताया। इस दौरान समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया। मैंने वार्ड में अपने में जितना भी हो सका मेरे से मैंने काम कराए हैं, गलियां आज मेरे वार्ड में एक भी ऐसी गली नहीं है जो बकाया नहीं है। पंजाबी बिरादरी सारी साथ इनके, मेरे को 36 बिरादरी का समर्थन है जी। मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं आगे ऐसा काम करना चाहूँगा जो मेरे से अब कोई भूल हुई है उसको भी सुधारने की कोशिश करूंगा, और जनता के विश्वास पे 100% खरा उतरूंगा। मैं अपनी वार्ड की जनता से यही अपील करता हूं कि जैसे आपने मुझे पहले चुना था, अब भी मेरे को दोबारा मौका दे और आगे मैं ऐसे ही काम करता रहूं और मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं मुकेश भाई के वार्ड से बिलोंग करता हूँ और मैं एडवोकेट हूँ, गुहाना कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और भाई ने जो काम किए हमारे वार्ड के लिए, सभी हम बहुत खुश हैं भाई के काम से, और हम दोबारा चाहते हैं कि मुकेश भाई को हम बहुत अच्छी वोटों से चुने। और जहाँ तक बात है कि पंजाबी बिरादरी की हमारे वार्ड में है ज़्यादा, लेकिन पिछली बार भी तो पंजाबी बिरादरी ने जितवाया था, तो आज भी वो साथ खड़े हैं सारे के सारे, ऐसा कोई बात नहीं है, सब साथ है हमारे, अब पंजाबियों ने तो उठा रखा है, बिल्कुल समर्थन रहेगा हमारा भाई के साथ। पिछली बार भी हमने बहुत वोटों से जिताया था इसको, अब की बार उससे भी ज़्यादा वोटों से जिताएंगे, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, कभी भी किसी को दुख सुख में टाइम से पहले पहुंचते हैं और आगे भी ऐसे पहुंचते रहेंगे, और इनको बहुत भारी बीतों से जिता कर ले जाएंगे। मेरा नाम कश्मीरी लाल कालरा है, मैं वार्ड नंबर 9 से बिलोंग रखता हूं। मुकेश भाई ने हमें आज तक ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे परिवार का बच्चा नहीं है, और भारी मतों से इनको फिर जिता के इनको फिर मौका देंगे ताकि ये सेवा कर सके। आज तक हमारे वार्ड के अंदर कभी भी किसी पुराने कैंडिडेट ने इतना काम नहीं किया है जितना इन्होंने घर जाकर पूछ कर एक एक वार्ड में जाके एक एक घर में जाके इन्होंने काम किया है। हम इस पे गर्व करते हैं, हमारे बच्चों जैसा है, और पूरे भारी बहुमत से जिता के हमारी बिरादरी को ऊपर ले जाए। बिल्कुल, अगर ऐसा जैसे सुनने में आया है कि पंजाबी बिरादरी मुकेश भाई के साथ नहीं है, लेकिन टोटल की टोटल पंजाबी बिरादरी मुकेश जी के साथ है, और हम तो तन मन धन से मुकेश जी के साथ हैं।
और शायद खड़ा करने वाले भी पंजाबी बिरादरी है, क्योंकि इतना इन्होंने इतना काम कर दिया है वार्ड के अंदर कि कोई दूसरा चाहता भी नहीं है कि इनको हटाकर, अगर कोई काम में कमी हो तो ही किसी को हटाया जा सकता है। लेकिन इनके जो 5 साल का त्याग इन्होंने जो अपने वार्ड में जोड़ा है, ये आज उनका समर्थन दिख रहा है कि इन्होंने अपने आप को जोड़ा है हमारे साथ, तो आज वो जोड़ने के कारण ही इतना परिवार इनके साथ आ जाया। मैं अकेला नहीं, काफी लोग 36 बिरादरी इनके साथ आ जाइए नामांकन भरने के लिए। इसके अतिरिक्त आज शहर के अन्य वार्डों के प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और अपनी बात जगत महान न्यूज के साथ साझा की। 13 वार्ड हम अपने समाज में जो भी कार्य अभी रहते हैं उनको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, और जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। कौन सी पार्टी से? आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार। मैं पहले वार्ड नंबर 12 के जो शिव मंदिर है उसका प्रधान हूँ, और मैं लोगों के साथ पहले भी जुड़ा हुआ हूँ और अब भी लोगों के साथ मिलकर काम करूँगा। राजेश गोयल। राजेश जी, कौन से वार्ड से आपने फॉर्म? 7 वार्ड से भरा। किसी पार्टी से या निर्दलीय? निर्दलीय। किन मुद्दों को लेकर चुनाव? किन मुद्दे? साफ सुथरा करना है और अपने वार्ड को अच्छा रखना है। हमारे के वार्ड का एक सहयोग दे, मेरा साथ दे, मैं उन बातों पर खड़ा उतरूँ जो चाहते हैं। इस दौरान जगत महान न्यूज ने नामांकन फार्म जाँच रहे अधिकारी नवल किशोर से बात की। उन्होंने अब तक उनके पास कितने फार्म जांच के लिए पहुंचे इस बारे में बताया। बेसिकली क्या है कि जितने भी जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो वो फॉर्म भर के आ रहे हैं, और अब की बार क्या है कि जो फॉर्म है वो नया फॉर्म आया है मुनिसिपल कमेटी की तरफ से, तो हम एक तो वो फॉर्म चेक कर रहे हैं अभी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी हेल्प कर पाएँ ताकि कोई कैंसिलेशन फॉर्म की कम हो। सेकेंडली उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को चाहिए या जो भी आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो हम सारे चेक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कोई और भी इन्फॉर्मेशन अगर जो कैंडिडेट्स को ज़रूरत है वो सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज कितने फॉर्म आप तक जमा हो चुके हैं आपके पास आए? अभी सुबह से हम लोग 9 बजे से बैठे हुए हैं, नियर अबाउट 35 के करीब जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं, जिसमें वार्डों की तरफ से भी और कुछ प्रेसिडेंट के भी 3 या 4 फॉर्म प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी आ चुके हैं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।